आज हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और 26 जनवरी का दिन है और जहां राजपथ पर भी जवानों की परेड होती है, वहीं 26 जनवरी के दिन किसानों ने भी अपनी परेड निकालने की सोची है। और जहां 26 जनवरी के दिन राजपथ पर जवान अपने शौर्य की गाथा सरकार जवानों के शौर्य की गाथा सुनाते हैं, वहीं किसानों ने भी एक आज परेड निकाली है जिसमें वो सरकारों की नाकामियां गिना रहे हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक 26 जनवरी इस बार का रहा है जब भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहाँ ये ऐसा किसान आंदोलन बहुत ही देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या इस चीज़ का कुछ असर होगा सरकार पर, जो किसान जो आप लोगों ने आज परेड निकाली है किसानों की, क्या आपको लगता है कि सरकार पर इसका कुछ असर पड़ेगा? इसका तो असर जरूर पड़ेगा। यो जो मोदी सरकार है इतनी बेकार है, इसने हद कर दी। किसानों की पहले अट्ठी चार्ज करवा रही, उल्टे सीधे काम कर रही है, मान नहीं रही, इसे मानना पड़ेगा अभी। पर जो आप बोल रहे हैं किसानों पर लाठी चार्ज करा दी, आप लोगों ने ही बोला था किसान एकदम शांतिपूर्ण ये परेड करेंगे, पर परेड शांतिपूर्ण दिखी नहीं। परेड शांतिपूर्वक दिखती जब इन्होंने कहीं लगा नहीं रखा, उन्होंने बता रखा कि इनके को चलो इनके को नहीं चलना, हमें पता नहीं, हम जहाँ कुछ चल रहे ट्रैक्टर हम उनके पीछे पीछे चल रहे, आगे जाके हम। पर एक रूट डिसाइडेड था पुलिस की तरफ से कि आपको यहीं से जाना है, पर फिर भी बैरिकेटिंग तोड़ी गई है, आईटीओ पर हिंसा की गई है वहाँ पर, जबकि जाना नहीं था आईटीओ पे, फिर भी किसान वहाँ पर गए हैं। जाने क्या करते, कहाँ कुछ जाते, रास्ता ही नहीं था। पहले हमें वहाँ पे पुलिस वाले मिले, रास्ता ही नहीं, हमें इस साइड का हाथ दिया कि ये रास्ता है जाने का, जब रास्ते पे उल्टे सूधे बता रहे तो हम तो मंगू ही जाएंगे। जिधर को उसने उन्होंने रास्ता बताया पुलिस प्रशासन ने, उधर को ही गए सब किसान। तो और सरकार बोल रही है कि हम 1.5 साल के लिए इस कानून पे स्टे लगा देंगे और फिर रिव्यू करेंगे, और आप लोग भी अपनी बताइए पॉइंट्स कि क्या आपको रखने हैं, क्या आपको हटवाने हैं, तो इस पर भी आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? ये हमें तो सारे हटवाने, ये आप बताइए बाबा कि किसान क्या मतलब आपको क्या खराबी लग रही है इस कानून में? ये किसानों पे जो 3 वील लगाई है इन्होंने, ये गलत है, ये इन्हें हटाना चाहिए इनको। पर ये गवर्नमेंट इतनी हराम है, ये बहन चो नहीं सोच रही किसान के बारे में कुछ भी। और जो आज किसानों की परेड हुई उसमें हिंसा हुई, उस पर क्या बोलेंगे? उसमें हिंसा भी हो सब इसी की है, गवर्नमेंट की। शांतिपूर्ण ढंग से बोला गया था कि परेड करेंगे, उसके बाद भी शांतिपूर्ण हुआ नहीं, इन्होंने परेड नहीं करने दी। ये जो है बीजेपी के आदमी थे जो जिन्होंने गद्दारी करी है। तो आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने शांति से करी है, बीजेपी वालों ने गलत बोला, गलत बोला है इन्होंने। अच्छा, हाँ तो पुलिस वाले तो थे ही नहीं वहाँ, तो कुछ दिखाई दे रहे थे वे। नू कह रहे थे पुलिस वाले नू को कोई आराम से करियो, यो करियो, फलाने करियो, वहाँ बहन जो गोली चला रहे वे लोगों पे, वहाँ उन्हें मार रहे किसानों को, पुलिस वाले थे ही नहीं वे, तो कोई और थे। आप बताइए सर कि क्या इस परेड का जो आज परेड निकली है इसका कुछ असर होगा सरकार पे? हाँ, परेड का असर होगा। इतने टाइम से नहीं हुआ, 11 बार की वार्ता हो गई है किसानों के साथ सरकार की, पर असर नहीं हुआ, पर इस बार हो जाएगा? नहीं, टाइम तो लगता ही है हर काम में, देखो जीत तो सत्य की होती है ना हमेशा, पर सरकार भी जिद पर अड़ी हुई है, किसान भी जिद पर अड़े हुए हैं कि अब तो फिर रास्ता निकलेगा कैसे? रास्ता ये तो रावण जैसे नहीं रहे, ये तो मोदी है, दुर्योधन चले गए जो 1 इंच भी नहीं, उनका अहंकार खत्म हो गया, तो ये तो क्या है। तो जो सरकार बोल रही है कि कुछ आप बता दीजिए, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो हटा दी जाएगी, फिर भी आप नहीं मान रहे क्यों? जो चीज़ हमें पसंद नहीं, हम तो ये कह रहे कानून हमें पसंद नहीं है, तो तुम बदलो इन्हें। चलिए चलिए, तो ये किसान परेड के किसान हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की, और ये कह रहे हैं कि किस ये जो आंदोलन है ये बरकरार रहेगा, मोदी जी की सारी गलती है इसमें, ये कानून अगर जब तक मोदी जी हटाएंगे नहीं तब तक ये आंदोलन बरकरार रहेगा, ये जो किसान है ये यहाँ से नहीं हटने वाले हैं, जितने भी दिन हो गए, जितने भी महीने हो जाए, ये किसान यहीं पर डटे रहेंगे, ये आंदोलन इसी तरह बरकरार रहेगा। आप लोग देखते रहिए गांव मोहल्ला, मैं संध्या गाजीपुर बॉर्डर से।